सो मैं काफी परेशान हो चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ फ्रेंड्स चल रहे थे कि फ्रेंड्स के लिए ये करना है, वो करना है। एग्जाइल से मैंने अपने हाथ मिलाया, बट रिटर्न में मुझे कभी कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड इस चीज को लेके मैं काफी परेशान और बहुत पिस्ड ऑफ थी। डोंट टॉक टू मी बिकॉज़ यू डिडंट गो टू द डेंट। नहीं, बहुत छोटी बात है ये। इट जस्ट कि इतना बुरा बोलने के बाद दिग्विजय, ये लोग उन्नति मेरे अगेंस्ट में, फिर भी मैंने उसे सेव किया था। हम दोनों ने सेव किया था। इट जस्ट मैं ये सोच रही थी कि मेरे को देखना था कि उन लोगों का डिसीजन क्या होता है। अगर हम आपको सेव करें तो ऑफकोर्स हम लोग इसी सिचुएशन में आपका साथ चाहेंगे। ये तो चलो डेट की सिचुएशन थी। इफ अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती कि कोई आज घर जा सकता है या फिर कुछ भी होता, तब मैं क्या बोलती? एटलीस्ट अच्छा है ना, मुझे पहले क्लियरिटी मिल रही है इन सब चीजों को लेकर। और एक बात बताओ तुम मुझे, कल तुमने नायरा को क्या बोला? अनिका को सेव कर लो, उसके बाद खाना की आदत में से किसी को भी उड़ा दो। अबे तो मैं तो जा ही नहीं रहा था, मैंने कहा जैसे मर्जी लिख देना। I mean, how dumb is it? आकृति, pointless बातें मत किया कर। तुझे लड़ने का मूड हो रहा है और कुछ नहीं? मुझे लड़ने का मूड तो नहीं है। पहली चीज, जब मैं जा ही नहीं रहा हूँ वहाँ पे, तभी मैंने उसे डंपिंग पावर दी। मेरे अंदर दिमाग है। मैं ये बोल रही हूँ, अरे सुनो शिवेत, एक सेकंड शिवेत, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मैंने कल रिस्क लेके अपने फ्रेंड्स को नहीं बचाया है तो शायद तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम चीजें ऐसे मत बोलो। I don't understand how that makes any sense, क्योंकि हमारा एक डील था और this guy is going against our own deal. थोड़ा दिमाग यूज़ कर लेना। और ऐसे मत करो कि तुम्हारे सारे दोस्त बच जाएंगे एंड में। There would be a day जब तू मेरा नाम लिख रही होगी। अगर तुझे इतनी दिक्कत है, मुझे बताइए, अगर जिस दिन ये खड़ा हो वहाँ पे, मान ले तुझ पे पावर नहीं है, ये खड़ा हो, आदित खड़ा हो, किसे बचाएगी तू? किसको बचाऊंगी? बात खत्म ना, तो मेरे पे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ? अरे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि शिवेत को उड़ा दे, मैं ये नहीं बोलूंगी। ऑफ कोर्स अनिका तेरी पहली प्रायोरिटी है, वैसे मेरे लिए भी जशवंत पहली प्रायोरिटी है, बट कहीं ना कहीं जब दोस्ती की बात आती है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा दूसरों का भी। एंड इफ अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप बहुत मीन हो रहे हो। एंड अगर आप मीन हो रहे हो तो मुझे भी टाइम नहीं लगेगा मीन होने में। बस नेक्स्ट टाइम पे मैं एक को छोड़ूंगा, मैं एक को छोड़ू। तुझे जो याद रखना रख यार। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। आयुष्मान याद रखना रख। अरे यार ये देखो, ये लड़ने के लिए आ जाता है, मुझे बात नहीं करनी। बात मत कर, मत कर, मैं कौन सा बिस्तर बात कर। ऐसी फुद्दू बातों पे, फुद्दू बातें। अभी मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत इरिटेट कर रहा है। कभी भी बात करने जाऊं तो वहां से वॉकआउट कर जाता है। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। इफ अगर हम लोग खुद में लड़ेंगे ना तो बहुत जल्दी लोग इसका फायदा उठा ले। He leaves the room, और क्या हम पीछे भागे? भाई आजा वापस, बात करें हमारे साथ, जा निकल। मुझे बहुत बुरा लगा जब डिकेला ने फ्लिप मार दिया अपने प्रेजेंट के साथ। यार या तो तुम किसी को वर्ड दो मत, और अगर आप वर्ड देते हो तो अपने वर्ड पे रहो, क्योंकि क्या है ना, किसी का गेम आपकी वजह से खराब हो रहा है। अभी कौन सा वर्ड रह गया आज बताने मेरे को जरा? हाँ अभी मैं बोलूंगी। और बिकॉज यू डिड नॉट पिक मी अप, मैं परफॉर्म भी नहीं किया आज। बुरा नहीं लगेगा इस चीज के लिए? लगेगा। आप तो अपने कनेक्शन के साथ परफॉर्म करने के लिए चले गए, आपके पास तो मिल गया, अभी मैं कहाँ भटकूं यार। अगर तू डे वन भी उसके पास जाते ना, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन मैंने पहले जुबान दी चुकी थी, दैट इज व्हाई मैं नहीं हट रही थी। जब मैंने इसको मेंटली हर्ट देखा, और मैं भी इसको देख के मैं भी मेंटली हर्ट हो रही थी। मेरे साथ में बात करने वाली थी इस टॉपिक पे कि अब मैं नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, मैं वर्ड से हट रही हूँ। आई रियली डिडंट वांट टू प्ले विद योर फीलिंग्स सचिन, आई स्वेयर। ओके, दैट्स ओके। एनी व्हिच वे यू प्लेड विद माय फीलिंग्स, आज मैं पहली बार सब्स्टिट्यूट हुआ हूं तेरे वजह से। आज तुम मेरे सामने ने लोगों को पूछ रहे किसको चूज करो, किसको चूज करो, दैट्स योर कॉल। नो बिकॉज मैंने वर्ड दिया था ना, मेरे को पीछे हटना नहीं था ना। ओ भाई साहब, इसने मेरे को बोला तब जब चूज करने वाला था, आई से अनिकेत आई गेव हिम माय वर्ड बोला था। इसने क्या बोला था? तू जाएगा तो मैं जिंदगी भर तेरे चेहरा भी नहीं देखूं, बात नहीं करूंगा, ये बोला था। सो मेरा तो मेंटली गया ना। प्लीज तुम दोनों भी मत फाइट करो। तेरे चक्कर में मैं पिस रहा हूं उधर, ठीक है? जानते सुबह मत पिस। रिस्पेक्टिंग यू, डोंट रिस्पेक्ट मी, यू हैव नेवर रिस्पेक्टेड मी। दैट इज व्हाई माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज रिस्पेक्ट, बिकॉज़ यू हैव नेवर गिवन मी दैट। मैं ऑप्शन में हूं ना। ऑप्शन कभी हर्ष, हर्ष ने ऐसा बोला ना भाई। ओके ठीक है, हर्ष के साथ चलता ले जाता हूं। क्या अच्छा, गलत तू है भाई इधर, ठीक है? आई जस्ट वांटेड टू मेक हर अंडरस्टैंड कि वो स्टिक कर रहा है एक के साथ और वो था मैं। क्यों नहीं समझता है? किसके लिए आई है? अपने लिए ना, तेरे चक्कर में मैं आ गया। मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी को? चुपचाप से ले रहा हूँ ना, चुपचाप से ले रहा हूँ ना मैं। तो अपने लिए खेल, ठीक है? ये सुन के कुछ फायदा नहीं है भाई। बाद में मत आना मेरे पास, क्यों आऊंगा मैं? मत आ, जा।
बात करना नहीं आता है, तो तमीज नहीं है। ओके ओके यू आर द ट्रूएस्ट गर्ल, शुड आई? ओके 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 भाई साहब, सी दिस इज हाउ आई टॉक, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि मेरे लिए रिलेशनशिप में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्पेक्ट, दिस इज व्हाई आई से दैट, जस्ट बिकॉज आई लव हिम, ही टेक्स एडवांटेज ऑफ इट एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है? और मेरे को आई एम सो सॉरी सचिन, मैं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ मेरे को खेलना नहीं था, सॉरी। मैं बहुत हर्ट हो गई थी अंदर से, आई वाज क्रैक। फिर मेरे को थोड़ा सा दिग्विजय से भी बात करनी थी, जो उस चैलेंज में चीजें हुई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे, मैं बहुत ज्यादा वो हो रही हूँ, मैंने 3 दिन दिए, बट मुझे ऐसा हो रहा है कि एटलीस्ट मुझे तो कमिटमेंट मिल रहा है ना, मुझे नहीं मिल रही भाई, जब भी इशिता की कोई बात आती है तो यू जस्ट स्टॉप स्पीकिंग। बात करने तक नहीं जाता हूँ कि तुझे कहीं प्रॉब्लम ना फील हो या तुझे कहीं इनसिक्योरिटी ना हो, एंड फिर भी तुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेरा हक तब बनेगा ना नेक पे मसाज देने का, जब मुझे लगेगा बंदा आगे से मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हक नहीं समझती, नहीं हक मान रही, और वैसे उसको फिर प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम मेरी क्या है इसमें प्रॉब्लम? तुम लोगों का सॉर्ट नहीं हो रहा, तुम लोगों का सॉर्ट नहीं हो रहा, क्लियर कट आज दिक्कत हो रही है तो देखो भी दिक्कत। अरे यार उसे हर्ट होता तो भाई मुझे लगता है कि भाई मेरी वजह से कोई क्यों हर्ट हो रहा है, तो मुझे हर्ट हो रहा है भाई बार बार ना, मैं कुछ कर सकती तो मैं क्या करूँ बता। फिर वहां पर मैडम इशिता आ गई, दिग्विजय में मैग्नेट लगी और इशिका में भी एक मैग्नेट लगी, धूम घूम फिर के वही चिपकने आ जाती है। क्या बार बार ये बोल रही है कि तो रोई है, ये तो मेरा बंदा है। रख भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देखो दिक्कत हो रही है। अरे तू अपने आईरोल्स पूरा टाइम करती रहती है, और भाई मैं तुम लोगों का समझ रही हूँ कि तुम लोगों का 4 साल का है, तो उस दिन बात क्लियर हो गई थी, तो आज कौन कब बात, कल रात भी तो फालतू में चिल्ला के गई है बिन बात के। चुप रह, तू तो बीच में पढ़ाई मत कर, ठीक है? मेरे बंदे से दूर रह। अरे सुन, तू उसको 3 दिन या 4 दिन से जान रही है, हफ्ता हो गया होगा, मैं तो उसको पहले से जानती हूँ, इतना ऐसा तो है नहीं उसने तेरे को कमिटमेंट या तेरा वो बंदा बंदी बन गया कि तू कोई बोल ही नहीं भाई। फिर वो मैंने उसको बोला, हम दोनों की बात जब वो नहीं कुछ कह रहा तो तू क्यों कह रही है उस बात पे? मुझे नहीं समझ आ रहा था यहाँ पे इनसिक्योर होने वाली क्या बात है, क्योंकि मैं क्लियरली उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ रही थी, तो अब ये दिग्विजय की हेडेक है, वो उसे कैसे संभालता है? हो गई बात क्लियर? अब उसके बुरे लगने से तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। अबे भाई एक सेकंड, ये बात मेरे दिमाग से नहीं कंट्रोल हो सकती यार, ये इमोशंस वाली बात होती है यार। मैं तुझे अब झूठ बोल दूं, हाँ मुझे अब से फर्क नहीं पड़ेगा। Does that work like that? मेरे लिए तो नहीं फर्क पड़ रहा भाई, मैं क्या करूं, मैं तो भाई के बीच में फंस गई हूँ यार। और मैंने फिर दिग्विजय को बोला कि भाई as soon as possible just clear this thing because I can't do this, इशिता और मेरे बीच में कंपेयर होगा तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ इस रिलेशनशिप में। तो मैं और जशवंत जाते हैं दिग्विजय और उन्नति के पास। वहां पर सबसे पहले वैशाली और हर्ष ने बोला था कि इन दोनों को नहीं भेजना है, विस्पर हो गया था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कुछ रीजन था उनका या नहीं। उन लोगों ने रीजन सिंपल सा ये बोला था कि तुम लोग को ऑलरेडी कुछ भसड़ है, वो तो बोल रहा था कि चलो लड़ना है तो ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे लड़ना है। मैंने बोला ठीक है लेना है ले लो, हम चारों का म्यूचुअल डिसीजन था। अब दूसरी बात बताती हूँ, तुम लोग से मेरी उतनी नहीं बनती, वहाँ जितने भी लोग थे सारे मेरे दोस्त थे, अगर तुम लोग के दोस्त होते तुम किसको भेजते और किसको आउट करते? ठीक है यार, लेकिन फेयर था कि नहीं था? मेरे हिसाब से नहीं था, तो मैं बताता हूँ, क्योंकि कल जैसे जो चीज स्टार्ट हुई, एक बॉन्ड अगर स्टार्ट हुआ तो फिर वो एक पॉजिटिव बॉन्ड बने रहना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ही है, एक पॉजिटिव हो गया फिर एक नेगेटिव हो गया, फिर हमारे मन में भी डाउट्स क्रिएट होंगे यार, मैंने तुझे सेव किया, ये किया, वो किया, तो भाई आज तूने भी तो हमें डेट से हटाया। अगर तू आज मुझे वो जेस्चर देता ना, रिटर्न करता ना, अगर तू छोटी सी भी चीज कर देता ना, मैं आगे तेरे लिए और खेलती, मैं भी खेलता और फेवर करती। एक सेकंड, अगर आज बट तूने आज इतनी छोटी सी चीज कर दी, आज के बाद मैं तेरे लिए कोई फेवर नहीं करूंगी, तो भूल जाना कि मेरे साइड से कुछ भी अच्छा होगा तेरे लिए। आज भी मुझे फेवर रिटर्न कर देता ना कि हाँ भाई आकृति तू जा डेट पे, तूने मुझे सेव किया था, तो भी ना तेरे लिए यहाँ आ जाती मेरे लिए रिस्पेक्ट। बट यार तूने वहां पर भी दोगलापंती कर दी। नहीं बताओ, मुझे भी बहुत बुरा लगा क्योंकि हम दोनों का ना वहां पर भी डेट नहीं मिली, यहाँ पर भी, जब तक वो इशिता आ गई, ठीक है, उसके चक्कर में हम लोगों को टाइम मिल ही नहीं पा रहा कुछ भी करने का। अभी भी हम बात करते हैं तो चिल यार, आकृति यू गाइस आर आइडियल मैच, चांसेस बहुत मिलेंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम लोग सेफ हो, चिल। तूने हमें नहीं भेजा, हमने तुझे नहीं भेजा, इतना रो मत, क्योंकि हर बार रो रो के तू सही नहीं होने वाली है। बुद्धि नहीं है इन लोगों में। बेबी लिसन, हम We can't do this saving everyone thing for a long time. तुझे ये बताया, right? तो अभी अभी you relax, मैं हूँ ना आपके लिए। जा रहे हो बहुत क्या? डेट पे मुझे भी जाना था। हाँ तुझे भी जाना था। Go next time. Okay. Splitsvilla की पहली डेट and I get to go there with Khanak and I was so excited. मैंने देखा पूरा सेट, it was so beautiful.
एंड देन द होल लाइक बेज ब्राउन एस्थेटिक था, कैंडल्स थे, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी. वेट, क्या? यू लुक ब्यूटीफुल, लुक सो प्रीटी. थैंक यू. लेट मी गिव यू माय जैकेट. हाँ, मेरे को ठंड लग रही है. थैंक यू. पास आ जाऊं तेरे दूर अच्छा नहीं लग रहा. नहीं लग रहा ना, मेरे को पता है. Cause I like your touch. No, I never thought. Splitsville आऊंगा, खानक से मिलूंगा, and we'll be in the mountains where it's so cold, but हमारे candlelight date होगा. I could feel his warmth. So I was very like, it's good that it's cold because now I have more excuses to be closer to him. When I saw you for the first time, I was like, I really like his style. I didn't know if I wanted to make a love connection. But mujhe pata tha ki mujhko ye chahiye meri life mein. Clearly you're incomplete without me. Aadat meri aadat hai. Aadat ki aadat ho gayi hai tujhe. Aadat ki aadat ho gayi hai mujhe. मुझे तो बहुत पसंद है. I don't know why. बस तू है. मतलब imagine यार, तुम किसी की presence से आँख बंद करके तुम feel कर लेते हो that person is your person. तो तुम्हें पता है कि यार there is a serious connection here. It's not a joke. It's serious now. I'm very proud of you. Oh, let's talk about that. I should get brownie points for what I've done today. मैं तो जानना है तेरे को कैसे पता चला कि मैं हूँ. मेरे को ऐसे इंट्यूशन था कि मेरे राइट में तू खड़ी है. माय आईज वर शट, इट वाज ब्लैक आउट, बट मैं इमेजिन कर रहा था कि आई कैन लाइक आई नो दिस इज खाना. आई एम सो हैप्पी. आई एम आल्सो वेरी हैप्पी. ओके, मेरे को पूछना है कुछ. पूछो. तू मुंबई, मैं दुबई, कैसे करेंगे? कभी तू मुंबई, कभी मैं दुबई. प्रैक्टिकल आदत. आई फील लाइक इफ यू थिंक वी कैन मेक इट वर्क, आई वुड वांट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द शो. आई वांट टू क्राई. आई डोंट क्राई. सो क्यूट. कम हियर. कम. डोंट क्राई. आई फेल्ट दैट ईज व्हेन ही सेड कि या ही वांट्स टू कंटिन्यू दिस आउटसाइड, बिकॉज़ मेरे तरफ से जो इमोशंस थे वो उसके साइड से भी सेम थे, एंड वाज नॉट जस्ट फॉर द गेम. सो आई वाज रियली हैप्पी. No, how to dance, no? No. Okay, hold. मेरे को एक चीज ही तो नहीं आती, नाचना. मैं नचा दूंगी. मैं गवा दूंगा. Wait. मैंने वहाँ पे साइड में एक लाइक रोज देखा है ना, आई वाज लाइक वेट, ये सही मौका है. तो ये मुझे बहुत टाइम से करना था. थिंक आई शुड मेक इट ऑफिशियल. विल यू बी माई मेन स्क्वीज? You scared me. Stay down. What? I just want to say that I really like you. Please don't break my heart. I don't break what's mine. मैं अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ. I think it's the best date that I have ever been on. I'm pretty sure that I won her heart. Oh my God, इतने टाइम बाद ये एक स्क्वीज से बाहर आके हम फाइनली स्क्वीज वाले थिंग पे हैं, एंड एक्चुअली में हम एक डेट पे हैं. वाओ. Honestly, अब मुझे तो इतनी पसंद है कि मुझे और कोई लड़की दिखती नहीं. तू मुझे प्रपोज कर रहा है? करूँगा, पर वो बाहर, क्योंकि तुझे ना मेरे पे बिलीव होगा नहीं. जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन जो कुछ लोगों ने ऐसी बना दी है. बट हाँ, मैं सबसे फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन तो इकलौती है जिसमें मेरी नज़र टिकी रहती है. और हो गई तो इम्प्रेस. चल. हाँ, सच में हो गई मैं इम्प्रेस. थैंक यू सो मच. अब तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना था? तू स्प्लिट्सविला में क्या कनेक्शन बनाने आया था जेन्युइन वाला? नहीं, जब मैं स्प्लिट्सविला आया था मुझे जीतना था. तो अभी नहीं जीतना, देखो. नहीं, ऑनेस्टली मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ रहा. तूने भी देखा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. लोग कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है. आई डोंट गिव अ फक. मेरी इकलौती प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि तू सेफ साइड बैठी हो. मैं ये देख सकता हूँ कि तू गेम में और मैं चला गया,
मैं नहीं देख सकता कि मैं गेम में और तू चली गई। मैं शिवित ये बातें बंद बोला कर, मेरे को हक कर, मेरे को ठंड लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। तू सीरियस है सच में? हाँ सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने किसी को सीरियसली डेट किया है। इट्स बीन अ व्हाइल ना, मैं चाह रहा था कि कोई आए मेरी लाइफ में, बट फिर तू आ गई और अब मेरा तेरे बिना टाइम नहीं कटता। And you know it very well. No, I'm honest. Take care. I'm mal leti hu. You need me. No, I don't need you. I want you. मुझे वो काफी ज़्यादा genuine और honest लगी, because जिस शिवित को मैंने देखा है और लोगों ने मुझे बताया है, वो उससे totally different था। अच्छी चीज़ बताऊँ? हाँ। तू बहुत लड़कियों की respect करता है। You're very sweet. Cute. एक बतानी थी, बस हो गई तारीफ, मैं सर पर चढ़ जाऊंगा। एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। देख मैंने ना किसी को कभी नहीं बोला, बट एक दिन जब ये लोग बहुत मेरी बुराई कर रहे थे, देन आई जस्ट सेड वन थिंग, मेरी माँ ने मुझे पाला है, तो मैं औरतों की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तू इंपल्सिव बिहेव करता है, बट तू रिस्पेक्ट भी करता है, तेरा इंटेंशन नहीं होता वैसा कुछ। नहीं, कुछ नहीं होता। आज डांस करते हैं। जो मोमेंट था लाइक मैं और शिवित ऐसे डांस कर रहे थे एंड वी वर एक्चुअली लिविंग इन दैट मोमेंट, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फिल्मी था यार। डेट पे मैं एक इंसान के साथ डांस कर रही हूँ जिसको मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में आज तक किसी लड़के ने इतना ज़्यादा मुझे स्पेशल फील कराया है, मुझे ऐसे उठा के लेके जाना। लाइक आई एम स्केर्ड कि मुझे इस बंदे से प्यार ना हो जाए आगे चल। हाय भाई स्पिरिचुअला, मैं सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाओ। डेट नहीं किया तो क्या किया यहाँ आके। जब मैं डेट पे पहुंची, आई वाज शॉक्ड टू सी अरबाज आउटफिट। वी वर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ शेर एंड शेरनी। बहुत खूबसूरत जगह है और अच्छी भी लग रही है, बट तुमसे कम। थैंक यू इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। पता है मेरे साथ एक चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नायरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, बट ये सब चीज़ों में ना मैं मेरी बहुत फटती है। व्हेन इट कम्स टू लव रोमांस मेरी बोलती बंद हो जाती है, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ। देखो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम बोलोगी तो मैं सुनूंगा। ओके तो द वे यू सेड ना कि शेर के साथ तो शेरनी बैठेगी, बट लाइक डिड आई मीन किसी को पता है कि मैं शेरनी हूँ? जंगल में राज तुम ही करोगी, बट है जब भी जरूरत रहेगी ना तो एक वो बोलते ना शेर की दहाड़ी काफी है, तो वो दहाड़ रहेगी हमेशा तुम्हारे पीछे। That's the kind of man I want, क्योंकि see मैं बहुत ऐसे बहुत strong हूँ। यहाँ आके मैंने अपने आप को बहुत weak देखा है, मतलब बहुत allegations लगे, आपको नहीं पता उस टाइम। यहाँ पे yes बहुत गंदा, जब वो एक task हुआ था court room वाला, उसपे मुझ पे fake allegations लगाए थे और मैं ना वो allegations ले नहीं पाई। पहली बार लाइफ में इतना बड़ा पैनिक अटैक आया, किसी इंसान की इतनी औकात हो गई कि मुझे उसने उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया और मैं उससे लड़ नहीं पाई। मेरे लिए एक बंदा भी नहीं खड़ा था, तो आई वाज लाइक मैं एक को भी ऐसे नहीं बोल सकती कि यार कोई इंसान मुझे संभाल ले यहाँ पे, बट मैं नहीं था ना वहाँ पे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से आगे तो कभी होगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा बढ़ के कोई बोल नहीं सकता, बट आई थिंक टुडे आई हैव मेट समबडी जो मुझसे भी ज्यादा अच्छी बातें कर लेता है। मैं और भी कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए, पता नहीं अब वो तुमको पसंद आएगा या नहीं आएगा। ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है छूट, नाजुक सी चीज है, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी भी लगेगी, मेरे हाथ से पिनाऊंगा तो और अच्छी लगेगी। मैं जब तक यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं ये तुम्हारे हाथ में इसको देखना पसंद करूंगा। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज़ तुम यूनिक हो तो तुमको यूनिक लोग ही पसंद करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ब्रांड होता है ना, तो जिसकी औकात होती है वो ब्रांड खरीदने की वही खरीदता है। बहुत अच्छी बातें करते हो यार तुम। कुछ भी कहो, इस बार चॉइस तो मैंने बढ़िया करी है। इफ आई एम विनिंग द शो, आई एम विनिंग इट विद अरबाज़, और इसकी शुरुआत इस ब्रेसलेट से हो चुकी है।
Splitsvilla की फर्स्ट डेट थी वो, और उसपे मैं और दिव्यांश साथ में जा रहे थे, और सेटअप बहुत ज्यादा सुंदर था. उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हम दोनों साथ थे, वो भी इतने लंबे समय के बाद. आपने अज्यूम किया था आप Splitsvilla में डेट पे मेरे साथ आओगे कभी? नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा था कभी Splitsvilla में होऊंगा, बट फॉर्चूनेटली मिल गई. मेरे लिए सब कुछ बहुत मैजिकल था उस समय पे. मैं बस उस मोमेंट को जीना चाहती थी. मेरे में कोई चेंजेस दिखे? हाँ, बहुत मेजर चेंजेस दिखे. क्या? कि आप सुनने लग गए हो थोड़ा. अच्छा. पहले आप बिल्कुल नहीं सुनते थे. और थोड़ा सा अग्रेशन कम हुआ है. मुझे लगता है कि जो मैंने एरोगेंसी दिखाई थी तुम्हारे पिताजी के सामने, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज थी. कहीं ना कहीं नहीं, पूरी गलत मतलब थी. पूरी गलत ही थी. तो उसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसको अब लाइफ से हटाते हैं तो आगे लाइफ थोड़ी बेहतर रहेगी. अब चीजें चेंज हो रही है. ठीक है. एवरीथिंग इज गोइंग गुड एज पर प्लान. And I'm growing and I'm happy. Unhappy without you. Still in love with me? हाँ, मैंने तो यहाँ पे आते ही सबको यही चीजें बोली थी कि मैं भूल ही नहीं पाई हूँ. मैंने आज भी यही चीज बोली ना कि मेरी घड़ी की सुई घूम के वापस वहीं आ गई है. मतलब मैं यहाँ पर भी क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया. मेरी किस्मत थी जो मैं यहाँ आ गई, और शायद डेस्टिनी भी थी जो यहाँ मिलवा दिया. तुम मान गई, और क्या चाहिए मुझे. मानी नहीं हूँ मैं, मेहनत करनी है अभी. मैं भी तुमको किस करूंगा तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? पता नहीं. ठीक है. तुमको इम्प्रेस करते थोड़ा. चला ठीक है. अरे वाह, रोज भी दिखा दिया. थैंक यू. मुझे ऐसा ही है कि मतलब यहाँ से मैं तुझे लेके जाऊँ और हमेशा मेरे पास ही रखूँ. हार जीत अपनी जगह, ठीक है, बट मेरे को तू चाहिए. मुझे इतना पता है, मैं यहाँ से तुझे लेके जाऊँगा तो मैं वैसे ही Splitsvilla जीत के ही जाऊँगा. मैं मेरी लाइफ का वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जीत गई हूँ यहाँ पे आके. अभी जिसके लिए मैं इतने टाइम तक परेशान रही, वो चीज़ यहाँ पे आके रिजॉल्व हो गई है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. डेफिनेटली. तो आप आगे जो भी डिमांड करेंगे मुझसे, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सारी की सारी मैं फुलफिल करूँगा. ठीक है. मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो चुका था वो डेट. उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने चार चांद लगा दिए थे उस डेट को. यही तो ढूंढ रहा था, यही सुकून चाहिए था मुझे मेरी लाइफ में, और सुकून का नाम था देवांगिनी. Splitsvilla की हिस्ट्री में पहला लव डेन और पहला लव डेन जा भी किंग और क्वीन रहे हैं. आई वाज वेरी हैप्पी. सो लव डेन घुसते हुए हम लोग ने देखा एक साइन लगा हुआ है लव डेन, जो बहुत ही रोमांटिक है, और वहां से ना रोमांस की वाइब ही चालू हो गई. हम जैसे ही एंटर करते हैं, एक ब्यूटीफुल सा राउंड बेड है जिसपे कर्टन्स लगे हुए हैं. एक साइड पे चॉकलेट फाउंटेन है और स्ट्रॉबेरीज है और फेरी लाइट्स लगी हुई है. द लाइटिंग वाज सो रोमांटिक. दिस इज सो कोजी यार. ब्यूटीफुल. फिर बालकनी खुली. आई सॉ द व्यू. Love this setup. So beautiful, yeah. Thank you. Thank you for being there. Thank you, baby. आज मतलब ऐसा है कि सिर्फ रुशाली और सिर्फ हर्ष और कोई नहीं. So, first rose, thank you कि तुमने मुझे बैंड दिया. Second, thank you for believing in me. You have always supported me, calmed me down. I love you for everything you do. मुझे ना बहुत ज़्यादा पीस मिलता है जब मैं तेरे पास होता हूँ, और मुझे ना लिटरली ऐसा लगता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव यू, बिकॉज यू आर माई क्वीन. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. नो मैटर वॉट, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू आउटसाइड एंड 100% श्योर आई डेफिनेटली सी यू आउट. मैं तेरे को जाने नहीं दे रही. जो उसकी जेन्युइन फीलिंग है आज मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ.
कि वो बंदा है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा. मैं आई थी, मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे कोई मिल पाएगा या नहीं. ओके, बट आई फेल्ट दैट स्पार्क बिटवीन अस. मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तेरी तरह जितना तू है, बट ये तेरे लिए छोड़ के मत जाना कभी. छोड़ के नहीं जाऊंगा, टेंशन मत ले. ऑफ कोर्स I really didn't know कि मैं उससे इतना कनेक्ट कर पाऊंगी, इतना जल्दी मैं उसके इतने करीब आ पाऊंगी. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बहुत कम लोग काम कर सकते हैं जैसे मेरी मम्मी काम करती है मुझे और तू कर लेती है. I felt great, yeah. I don't know, it really hit me hard because कोई आपको इतना समझ रहा है, आपको अपनी फैमिली जैसा समझ रहा है, तो वो एक तरह से बहुत इमोशनली अटैच वाली फीलिंग है कि हाँ ये बंदा आप कुछ मानता है, जेन्युइनली मानता है. मैं रोशाली की आंखों में पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा साल, पूरे जिंदगी देख सकता हूँ. मुझे इतनी पसंद है उसकी आंखें. देखो देखो देख. आज की रात हो रहा है क्या? बहुत बहुत यार कुछ अच्छा रोमांटिक सा सुना मुझे. आई वांट रोमांस इन लाइफ. मैंने दिल्ली एक वो शायरी लिखी थी. तो सुना ले छोटा सा. आगे बढ़. तो सुनना. सुना. मुझे तुमसे मोहब्बत है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर जो तुमसे है वो किसी और से उसके मुंह से इतना स्वीट लगा ना, ये इतना स्वीट लगा कि मुझे ऐसा लगा कि यार I've fallen in love again. मुझे ना किस करने का मन कर रहा है. अरे मुझे मेरा मन कर रहा है. खुश? नहीं खुश. भगवान कहते हैं सारी कामनाएं आज पूरी हो. जेन्युइनली मैं उसके लिए फील करती हूँ ना, उसके लिए शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्चुअल में उसके लिए क्या फील करती हूँ, बट मुझे ये पता है कि जो मैं उसके लिए फील करती हूँ ना वो कुछ स्पेशल है और वो बाकी सबसे डिफरेंट है. मैं खड़ा नहीं हो सकता. मैं खड़ा नहीं हो सकता. तो ज्यादा नींद उठो तुम. हाँ चेंज कर क्या यार, मुझे ड्रेस खोलने की इच्छा नहीं हो रही है. मत खोल, मैं खोल दूंगा बाद में कल सुबह. इतनी अच्छी किस्मत नहीं पाई है तुमने. स्टेप बाय स्टेप. गुड लक. यार नींद आ रही है अब. नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द डेट वाज लाइक द हैप्पीएस्ट मॉर्निंग आई हैव हैड इन द स्प्लिट्स विला. मैं और खनक बस लोगों की शक्लें देखना चाहते थे कि यार ये जो जो डेट पे नहीं गए ना इन सबको जलाएंगे. मैं जाता हूँ अपने कनेक्शन डिकी के पास. थैंक्स सुंदर. गुड मॉर्निंग. आप रे सोते हुए भी कितना सुंदर दिखते यार तू. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है स्प्लिट्स विला? अभी मेरा रिलीफ लग रहा है क्योंकि मैंने वोट दिया था तो मेरे को डर लग रहा था पीछे हटने में क्योंकि मेरे को फ्लिपर बुलाएगा लग रहा था. तो अभी मैंने वो वोट वापस ले लिया, सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ ठीक कर लिया. आई फील रिलीफ क्योंकि मैं अभी किसी के बीच पे पीस नहीं रही हूँ. अब तो मुझे चूज करेगी ना कि नहीं. She told me like, अभी मैंने सब क्लियर कर चुका हूँ, मैं सबके साथ वोट देख चुका था, वो खत्म हो गया है. So I was really happy after that. हमारी सुबह काफी अलग हुई. सबको पता लग गया था कि एडी को डेट पे जाने की जरूरत नहीं है डेट मनाने के लिए. जब हम बाहर आए, I think I had a mosquito bite या मैं कहूँ a falcon bite, जो काफी evident था.
और लोगों ने काफी अच्छे से नोटिस कर लिया। अबे दिखा दो, दो जगह लगी यार। भाई रुक, दो कहां है? जगह लगी दो नहीं है भाई, दिखा दो। छेड़ के मेरे को ये पकड़े कैसे रे तुम लोग? हाथ पकड़े कैसे? कशिश को टीस करने लगे, बहुत अजीब लग रहा था मेरे को उस टाइम। कैसे लगा तेरे को यार इस कलर के रोल्स रॉयस? ये तो ठीक है, बहुत लग गया। आपको फोटो फोटो लेने ले लो। मच्छर आ गया, फाल्कन फाल्कन ने काटा उसे। मैंने बोला भाई असली डेट तो इन लोग ने किया, हम तो सिर्फ जाके बातें करके आए। असली ठंड का मजा ये दोनों ले रहे हैं, बाकी सब तो काट रहे हैं जी रहे। अच्छा वो ऊपर नहीं गए डेट पे, नहीं तो फिर तो क्या हाल होता था बता नहीं भाई। क्या मतलब है भाई इसका? तो आई थिंक उस दिन विला में पता लग गया कि हमारा कनेक्शन इज एक्चुअली प्रीटी स्ट्रॉन्ग। द फाल्कन एंड द कुकू आर गोइंग गुड। फिर हम जब वापस विला में आए आफ्टर अ ब्यूटीफुल डे, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीवन एंड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद एवरीवन। मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेन। हाय गाइस, कैसा रहा तुम लोगों का डे? व्हाट स्पेशल डे? जैसे ही हम लोग एंटर किए सब लोग हमारे पास आए, दे वर आस्किंग अस हाउ इज इट। वेलकम बैक फ्रॉम द टेंट। वेलकम बैक। कैसा था? हाउ वाज इट? टेल मी। आई एम अमेजिंग। It was like mesmerizing moment. मुझे ऐसा लगा कि इससे खूबसूरत मोमेंट तो नहीं हो सकता मेरा स्प्रिटशिला की जर्नी के लिए। डिस्क्राइब तो कर क्या था वहाँ पे? एक डायलॉग था ओम शांति ओम का, यश चोपड़ा के सेट की तरह बेड होगा वैसा था, गोल बेड। एंड प्लस जो बालकनी थी, दे हैव दिस सिटिंग एरिया, फिर जैकूजी थे, जैकूजी विद रोज बेड, स्मॉल स्विमिंग पूल, और उसके बाद मैं और मेरी चाय, सब बहुत खुश थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, रोमांटिक थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन। उसके बाद हम लोग सब भाग भाग के जाते हैं क्योंकि हमें एक नोटिफिकेशन आया होता। गुड मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेंस। गुड मॉर्निंग। गेट रेडी फॉर योर चैलेंज, वेटिंग फॉर यू गाइस एट द चैलेंज लोकेशन। लव एनर्ज। ओ माय गॉड, जैसे ही चैलेंज लोकेशन देखा मैंने, मेरे को तो लगा कि आज तो कोई ना कोई लटकने वाला है ऊपर से। मैंने सोच लिया था कि शिट, क्या यहाँ पे हमें लटकना है, उड़ना है, क्या होना है, पता नहीं। वेल्कम टू एमटीवी स्प्लिट्सविला 15, को पावर्ड बाय न्यूमी फिक्स डर्मा शैडो सन प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड स्टोन डियोस एंड परफ्यूम्स। How was date night? Great sir, बहुत अच्छी थी। हर्ष और रुशाली कैसा रहा लव डे? जो सेटअप था और जितना कोजी, मतलब मैं फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। और क्या नहीं कंट्रोल कर पाए? बस फीलिंग्स। हाय कशिश। हाय। कैसी हो? बहुत बढ़िया। नाइस है, टेम्पररी टैटूज है, अच्छा लग रहा है यार। इसके भी टैटू है पीछे? पीछे इसके भी टैटूज हैं। नहीं नहीं, उसके टैटू नहीं है, उसके उसके स्क्रैचेस हैं। क्या हुआ एडी? कल तेरी मुलाकात जंगली बिल्ली से हुई? इसकी मुलाकात फाल्कन से हुई। क्या बात है। इसने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना रोमांटिक गाय विद एंगर इश्यूज, जब से आया एंगर इश्यूज सबने देख लिया, जो आपको बहुत अच्छा लगा, बाकी मैंने कल देख लिया। ओहो, इनकी अलग एक्सप्लोरिंग चल रही है। मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि लवडन से तो आइडियल मैचेस आए हैं, बट बातें हमारी हो रही थी। सो इन एन इंस्टेंट थंडर स्टोलन। अनिकेत, डिकिला, डिकिला इज लुकिंग वेरी हैप्पी। हमारा लड़ाई खत्म हो गया सर। हाँ, इनकी लव स्टोरी ऐसी है, कभी प्यार कभी वार।
तो ये डिसीजन अनिकेत के साथ परफॉर्म करना और अनिकेत के साथ रहना मेरा ये बहुत ही क्लियर था, क्योंकि मेरा दिमाग में यही है, जो भी है जैसा भी है मेरा बंदा मेरा है. सो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट लास्ट नाइट लव वाज इन द एयर बट टुडे यू गाइस आर गोना बी इन द एयर. जो चार कपल्स कल जीते, जो डेट्स पर गए, वही आज इस चैलेंज में परफॉर्म करने जा रहे हैं. इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? जो मुझे चाहिए था वो फाइनली हो रहा था. मेरा तो फिर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये आकृति और जसवंत की वजह से आज मैं उन्नति के साथ परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा. आकृति सिर्फ डेट पे ही तो जाना है. हाँ. तो इतनी गेम तुझे समझ नहीं आती है, तो थोड़ा शांत रहा कर. मतलब किस क्या बोल पे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मतलब सही तूने कल बोला ना यार, सिर्फ डेट पे ही तो जाना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. अब टास्क परफॉर्म करने का चांस नहीं मिल रहा. अब पता लग रहा है मेरे फ्रेंड्स है वहां पर. अरे बाबा सबने लिया था, कल भी यही बात हुई थी कि मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स जाए. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे उन्नति, तो तुम किसको भेजोगी? अपने फ्रेंड्स को? वही चीज हुई थी. अपने बंदी से थोड़ा कोऑर्डिनेट किया करो. आगे चढ़ा मत करो. पहले हम कैसे ट्रस्ट कर ले जब तूने हमें डेट में ही नहीं भेजा? तुम तो आइडियल मैच बनके आराम से बैठे हुए हो. तुम तो आइडियल मैच बनके बैठे हुए हो ना आराम से. जोन से यहाँ लाए हम. नहीं तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, शायद तुम हमारा नाम लो. इतनी सी बात थी. तुम्हें समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो चुप रहो. तू ही बोलती रहना फिर, क्योंकि तेरे पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने का. बोलती रहती है, तेरे पास पॉइंट नहीं है बोलने का. दिग्विजय, दिग्विजय तुम्हें इतनी छोटी सी बातें नहीं समझ आ रही हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम अभी अभी आया हो और मैं तुम्हारे लिए सारी फेवर रिटर्न करती जाऊं, तुम्हारे लिए खेलूं, तुम्हारे लिए पिच करूं, तुम्ही को हर जगह सेव करूं. तो ऐसा नहीं होता है. खुद कमाओ, खुद अर्न करो और खुद जीत के आइडल मैच के लिए जाओ. हर्ष तू बता, सबसे पहले इसने नाम लिया था ना दिग्विजय और उन्नति को नहीं भेजेंगे डेट पे. मेरे यार मेरा बहुत सिंपल सा है यार, जितने लोग खड़े हैं तुम पंगे ना लो, मैं पंगे नहीं लूंगा तुमसे. अगर तुम पंगे लोगे तो आज नहीं तो कल उड़ा दूंगा. दूसरी चीज ये कि पहला दिग्विजय का नाम लिया था आकृति ने, उसके बाद मैंने कहा हाँ उड़ा दे, और मैंने कहा बोल के उड़ाना. नहीं, इसने बोला रीजन क्या देंगे ना, मैं बोल के उड़ा, हर्ष से पंगे लिया तो उड़ा दिया. मगर मैंने तेरा पहला नाम नहीं लिया था, इसने नाम लिया था. What the? अभी पलट गया बंदे ने, बिकॉज ओवर देयर कुछ और बोला था मुझे. He was like, हाँ भाई इसी को उड़ाएंगे, कोई और नहीं है, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे हम. बट हर्ष बीइंग हर्ष प्लेड अ वेरी डिप्लोमेटिक गेम एंड ही शोड अस हिज ट्रू कलर्स. पर इसने ये बोला कि आपने लिया है नाम. ये तो कुछ भी बोल सकती है ना भाई. अब तूने उसका डेन नहीं जाने दिया. नहीं, तो नहीं, चलो ठीक है, चलो मैंने लिया. बट मैंने ये भी बोला था कि मेरे फ्रेंड्स है और मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी और मैं चाहती हूँ वो जाए. तो ऐसे कवर अप क्यों कर रही थी यार? डेट पे ही तो जाना था, छोटी बात है. दो तीन चार रीजन घुमा के देगी तो मैनिपुलेट इतना तगड़ा मत करा कर. एक चीज और है यार आकृति, तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था जाके कि हर्ष को तूने भेजा और हर्ष ने पहले बोला दिग्विजय का नाम. नहीं, पहले तूने नाम लिया था. हाँ, ठीक है. और मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि तू उसको बोल रही थी ना. एक सेकंड, तेरी बात नहीं हो रही है. जब हम लोग ऊपर गए थे तो मैंने जब दिग्विजय का नाम लिया, तूने तुरंत बोला कि हाँ मेरी उससे बीफ है, तो हम लोग ओके हो गए. आकृति, कल आपने बोला था कि हर्ष ने बोला कि मेरी बीफ है उससे, मैं उसको वो करूंगा. आपने ये नहीं बोला कि आपने पहले बोला. मैंने ये भी बोला था मेरे फ्रेंड्स थे, मैं नहीं ले सकती थी और किसी और का नाम. चैलेंज पे आ जाए ये सब, जब आप सब विला जाओगे ना करते रहो ना. ओके, लेट्स मूव ऑन. यस, आज के चैलेंज को हम ट्रियोज में खेलेंगे. सो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू बी सेफ. अरबाज, नायरा, आदित्य, कनक, शिवित, अनिका, दिव्यांश एंड चुलबुल, फॉर टुडेज चैलेंज यू गाइज विल हैव टू चूज वन मोर स्क्वीज टू फॉर्म अ ट्रायो. एनीवन फ्रॉम दिस साइड, अगर आप पिच करना चाहते हो, नाउ इज द टाइम. नायरा, अरबाज, आई थिंक आई कैन बी द वन, और मैं पूरी जान लगा दूंगा तुम लोगों को जिताने के लिए. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. गाइज, जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो मेरे अंदर भूख कभी खत्म नहीं होती. किसी के साथ भी परफॉर्म करूँ मैं, आई विल गिव माय 100%, स्पेशली दिव्यांश देवांगनी. बस यही बोलूंगा कि कोई भी चूज करेगा भाई, 100% दूंगा अपना, जैसे मैं देता हूँ हमेशा.
बॉयज एंड गर्ल्स आप सब पे आ जाते हैं, व्हाट इज द डिसीजन? अरबाज नायरा आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली पहले हमारी चॉइस दिग्विजय था, बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि जब वो पिच कर रहा था उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं फॉर सम रीजन। नाउ आई वांट टू गो अहेड विद सचिन। सचिन राइट? ओके सचिन। वेरी डिसअपॉइंटेड दिग्विजय। तो भाई नाम लेने से क्या होता है, अगर तू मुझे सिलेक्ट करती तो मैं तेरे लिए भी परफॉर्म करता पागल लड़की। आदित्य और खनक आप दोनों पे आ जाते हैं। आजा लाडले। अनिका शिविर व्हाट्स इट गोना बी? मैं जानता हूँ बहुत सारे डिसअपॉइंट होने वाले जो मैं बोलने आ रहा हूँ। जिसको भी चूज कर रहा हूँ हमेशा उसके अगेंस्ट था, तो सोच रहा हूँ कि साथ खेल के देख लूँ कैसा लगेगा। आजा। दिग्विजय। तुझे ही पता किसके अगेंस्ट तू आगे खड़ा है। ओहो, कहानी में ट्विस्ट। तुम्हें पिछले नहीं है मतलब? हाँ मैं। मतलब आई कैन चूज राइट? भाई 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 रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना हो तो। मैंने एक दिव्यांश को पहले प्रॉमिस दिया हुआ है। आई रिमेम्बर दैट। इसको एक चांस जीतना है सिर्फ देवांगनी के साथ और फिर डोम में ही वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देवांगनी, तो आज के लिए। और बोल दे पूरा, बता दे आकर के, और बोल दे पूरा। अबे डम एस, हम तुझे चूज कर रहे हैं और तुझे वहीं पे फ्लिप मारना है। ओके सो आई गेस दिग्विजय हैज गॉन टू चुलबुल। हो गया पोपट, मेरे को लेने दिग्विजय को, आजू बाजू खेलते हैं। खेल लिया, कर लिया बेइज्जती अपनी। तभी बोलती हूँ दिमाग चलाया कर और ज्यादा ना टेंशन में मत रहा। देख मैंने एक बार किया था, doesn't mean you can also do it next time. The same trick doesn't work twice, ठीक है? And he rejected you, simple. How does it feel यार भाई? You're giving someone an opportunity और ऐसा reject हो गया? कोई नहीं सर, वो मैं डोम में याद रखूंगा ना। दिग्विजय को मैंने दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर उसे लड़ना ही है तो भाई तैयार रहिए। गलती से जीत गया ना तो तू घर होगा। भाई शिवेद मेरी बात सुन, साइकिल का भी स्टैंड होता है, तो तू भी अपना स्टैंड रख ले कि भाई तुझे टक्कर लेनी है या फिर साथ में परफॉर्म करना है। शिवेद बैक टू यू। अनिकेत। ओके अनिकेत। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रायल। आईडी यार कोई पिक क्यों नहीं कर रहा है भाई? मैंने पिच तो करा ना सर सबको। तूने सबसे किया, मेरे से नहीं किया। सबसे मतलब? तू मेरी पहली चॉइस थी साले। मैं यहाँ पे आके पिच करूं तेरे को? कान में बोल से इतना बोल देता भाई बस। अरे भाई मैं सबसे ही तो पिच करूंगा यहाँ पे। आईडी में कोई कमी नहीं है सर, बट मेरी पहली चॉइस था, लेकिन मुझसे अब सबको पिच करना जरूरी समझा। पिच तो सबको ही करूंगा। अब तूने भी तो पहली चॉइस दिग्विजय को ही लिया ना, उसके बाद भी तो तूने अनिकेत को लिया। मेरे को किसी ने पर्सनली पिच नहीं किया, नाम लेके नहीं पिच किया। तो पर्सनली कैसे राइवल के साथ खेल लेता हूं? पर्सनली कैसे पिच करते हैं? एक बार बोल देता भाई तू चूज कर रहा है बस खत्म, तू था यार। ऐसे क्यों बोलूं मैं, और भी तो लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई। वो मेरा पर्सनल था, मुझे तेरे से एक्सपेक्टेड था कि तू एक बार बोल देगा बस भाई। ठीक है भाई, मैंने भाईचारा ज्यादा बना रखा है ना। एडी का दिल टूट गया अब तो यार। वैसे तुम भाई भाई कहते हो, जब बारी आई वो चीज दिखाने की, सबको पता है उसका और मेरा बॉन्ड कैसा है, तो तूने अनिकेत का नाम लिया। मतलब तूने दूसरी प्रायोरिटी पे भी मेरे को नहीं रखा उस चैलेंज में, तो मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगा। जब शिवित ने सीधा सीधा बोला था कि भाई आईडी तू मेरी प्रायोरिटी है, तो जब टास्क की बारी है तब तुम अपने दुश्मन को क्यों चूज कर रहे अपने साथ खेलने के लिए? एंड आईडी टफ कॉम्पिटिशन है यार, उसको ना चुनना मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो। आज के चैलेंज का नाम है चोच से चोच मिला। क्या है आज के चैलेंज का नाम? चोच से चोच मिला। अरे इमोशन के साथ करो भाई। चोच से चोच मिला, चोच से चोच मिला। यू गाइज विल प्ले एज अ फ्लॉक ऑफ थ्री लव बर्ड्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलोगे। सबके चेहरे पे एक चोंच लगाई जाएगी, चोंच ट्वीट नो, और ऐसे चोंच ट्वीट। As you can see, one side there X and O's lying in the nest. The other side is your board. एक स्क्वीज जो परिंदे की तरह हवा में झूल रहा है।
उसे उड़ते हुए जाना है और अपनी चोंच से नेस्ट वाले साइड पे स्क्वीज से एक्स या ओ कलेक्ट करना है और ऑब्वियसली दूसरे स्क्वीज को पास करना है. द स्क्वीज विल पुट देम ऑन दैट बोर्ड एंड प्ले द सिंपल गेम ऑफ एक्सेस एंड ओस, जैसे कि हम सब स्कूल में खेलते थे ना. ठीक ठाक बस. ओके सो गाइस लेट्स गेट रेडी. यस यस. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप सब तैयार हो? यस सर. यस सर. आर यू रेडी टू प्ले चोच से चोच मिला? चोच से चोच मिलाओ. तो बेसिकली दे आर दिस चोचेस जो लगे हुए थे उन लोगों के मुंह पे. जब उन दोनों को हवा में लटका दिया गया, दोनों एकदम कौवे लग रहे थे उड़ते हुए. खनक को मैंने देखा एंड वो अपनी छोटी सी चोच में इतनी क्यूट लग रही थी. आई वाज लाइक कि कम हियर कम हियर. काश मैं और देवांगनी करते ये टास्क, तो उसको ऐसे पकड़ के चोच से चोच मिला था, तो उसमें ज्यादा मजे आते शायद. इन 3 2 1 गो. लेट्स गो दिग्विजय. चल खनक खनक जल्दी कर. हमको उस बीक से जो X एंड O थे उसको पठाना था. कम ऑन गाइस कम ऑन. कम ऑन बड़ा फिंगर्स. ऐसे नहीं चलेगा. कम ऑन. हमारा वहां थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था. मुझे लग रहा था कहीं आधे खनक और देवकरण पहले ना कर लें, क्योंकि मुझे बीच में क्रॉस लगाना था. जोच से जोच मिलाओ भाई. I was just looking at Khanak. I was thinking a lot of things at that point. And मेरे मन में फिर और ऐसा आ गया कि यार तेरा मौका कब आएगा. आजा लड़ ले आजा. आराम से लड़ ले. चल आजा लड़ ले आजा 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 आजा. लड़ ले फिर से. घूम मत घूम मत. इसके पैर रोक. देवकरण घूम गया. मेरा लाडला उधर गोल गोल घूम रहा है. I was like wait भाई. हमारा देवकरण घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है. अरे लटक रहे हो भाई. अरे नहीं. दिव्याज हाथ दो. हाथ हाथ हैंड हैंड. बहुत जरूरी है. इजी इजी. ले क्या ले क्या उठा. ओह शिट. एक क्रॉस गिर जाते हैं तो मैं दिव्यांश को बोलता हूँ कि भाई आराम से चल रिलैक्स. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इजी इजी. हो गया. चल फास्ट 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 फास्ट. पकड़ 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 पकड़ो. जल्दी 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 जल्दी. लेट्स गो लेट्स गो. फर्स्ट एक्स मेरे पास आ चुका था और मैं बहुत ज्यादा खुश थी. मैंने उसको फटाफट बीच में प्लेस किया और मैं दूसरी साइड देख रही हूँ तो देवकरण ने अभी तक 1-0 भी पास नहीं किया है. उधर पकड़ ले. उधर जा गिर गया. जा उधर जा पकड़ जा. जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले दो कॉर्नर्स पे अपना जीरो लगाऊंगा वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज हमारे पास एक भी जीरो अभी तक आया नहीं है. इतने में दिग्विजय ने वहां दो एक्स पास कर दिए थे देवांगिनी को एंड आई वाज लाइक शिट. आराम से ब्रो. यूज योर हैंड. वेरी गुड वेरी गुड. इतनी देर में एक जीरो उन्होंने दे दिया होता उसकी वजह से वो हमारी लाइन नहीं बन पाती. यस फास्ट 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 फास्ट. वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके मेरे पास थर्ड एक्स आ चुका था तो मैं थोड़ी सी सैटिस्फाइड थी. एग्जैक्टली गुड गुड. उतने में देवांगिनी ने और एक एक्स लगा दिया था जिसमें उसका दो साइड पे कंप्लीट हो सकता था. जल्दी आ जा लड़ ले. खनक ने एक सेकंड में उसने अपना जीरो उसको दे दिया एंड वो मेरे पास लेके आया है. लगा, 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 I put it right between the two X's and I was like, मैं उसको नीचे प्लेस कर देता तो बस एक और राउंड में आई वुड हैव वन. जल्दी जल्दी लाग लेंगे जल्दी.
दिव्यांश बहुत ज्यादा हिल रहा होता है तो उसकी वजह से वो क्रॉस मैं नहीं ले पाता हूँ। ये उठा के रख दो, ये उठा के दे दो। नो 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 नो, जब वो तीन चार बोले जब गिरेंगे तब सब सारे गिर जाएंगे। तब वो लाके बोलता हूँ कि भाई ये जो दो क्रॉस नीचे गिरे हैं इन्हें ऊपर दे दो, अगर ऊपर ही क्रॉस खत्म हो गए तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दिव्यांश ने एक्स गिरा दिया। I was like, this is our time to shine. We have to take this opportunity. दे, जल्दी 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 लगे, जल्दी दे। अब हमारा जो कंपटीशन था वो काफी नेक टू नेक चल रहा था कि जो पहले लेके जाएगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। वन मोर देव, कम ऑन, वन मोर खाना। चल 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 देव, चल। अब बेशक लेफ्ट साइड में दिग्विजय हो या कोई भी हो, मुझे सिर्फ अपनी गेम खेलनी थी और परफॉर्म करना था। चल 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 चल। हो गया। वन 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 वन। Well done, well done, guys. Game over. We played like the underdogs and hum jeet chuke the. Yes. Sab log ki shakle was like, what just happened? Because everyone was expecting Digvijay to win, let's be honest. Yaar, first. First wala pahuncha hi nahi wahan tak yaar main. मुझे कहीं ना कहीं जीतना था ताकि मैं दिवांगिनी के साथ ओरेकल के सामने जा पाऊं, बट आज शायद से वो दिन नहीं था। ओके, चलो शिवित, अनिका, नायरा, अरवाज, सचिन, अनिकेत, लेट्स गो, इट्स योर टर्न नाउ। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्चुअल राइवलरी, शिवित वर्सेस नायरा। अब देखते हैं कौन रोडी फाड़ेगा आज और कौन हककर जाएगा वापस अनसेव जोन। रेडी? यस सर। ऑन माय कमांड इन 3, 2, 1। Come on, boys! Come on, come on! Come on, come on, come on, come on! जल्दी शिने, जल्दी! Go, Sachin! Let's go, let's go! चल, चोच, चल! चोच से चोच मिलाओ! एक तो मैं कबाब में हड्डी बन चुका हूँ, बीच में लटक रहा हूँ, ऊपर से मेरी जो चोंच है वो अरबाज के साथ बिड़ाई जा रही है। सचिन, कम ऑन, सचिन, सचिन, ओ क्या बात है! सचिन ने लास्ट टाइम बहुत गुफ अप किया था चैलेंज में, उस चक्कर में हम लोग सब डाउट कर रहे थे कि सचिन यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। चल चल शिविर, शिविर चल शिविर। अरे यार ढंग से लगाओ यार। जैसे ही चैलेंज स्टार्ट होता है शिविर का हगना वहीं शुरू। चल शिविर चल। शिविर हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, हाँ अपने चोंच से। चोच से चोच मिला के बस एक हुक लगवाना है और वो भी नहीं हो रहा तुमसे, ये शायद 10 साल का बच्चा भी कर लेता। दे दे दे, दे दे। नाइस अरबाज। अब मेरे दिल में ये था क्योंकि मैंने नायरा को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी डेट पे भी, तो मेरे को प्रूफ करना था कि मैं तेरे लायक हूँ। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरबाज और ये मेरा पहला फिजिकल चैलेंज था, जितना लोग बोलते हैं कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है वो आज प्रूव करने का टाइम भी था। जल्दी लेके आ। छोड़ छोड़ छोड़। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस यस। सचिन एक, सचिन एक। मेरा वहीं पे दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सेफ होना है सबसे बड़ी चीज, और मुझे शिविर के साथ ओरेकल पे जाना है एट एनी कॉस्ट। कम ऑन शिविर, लेट्स गो। बॉडी को बेंड कर। यस यस, कम ऑन अनिकेत,
मेरा जो पार्ट था वाज लाइक डेफिनेटली ट्राइंग माय 100%. सचिन के अगेंस्ट मैं डेफिनेटली नहीं आना चाहता था. इतने मुश्किल के बाद एक एक्स मेरे पास आया. फक फक फक, काफी क्लोज कॉल था. सचिन जल्दी लेके आ. नायरा चैलेंज के लिए भाई पागल हो जाती है. वो सचिन को गाली देने लग गई थी तो मैंने जैसा सुना मेरी भी फट गई. भाई हर बार गलती मत करने तो ये तेरे को भी गाली देगी. चल चल चल. ओके सचिन टीम इज इन द लीड. ये वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था. जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर जा रहा था. क्या कर रहा है यार श्वेत. कम ऑन गाइस, कम ऑन अनिकेत. फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड श्वेत कुडंट परफॉर्म, ही वाज रियली बैड. तो उनकी टीम बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी. ने उनको हरा दिया और वो भी लीड से. पता चल गया लोगों को कि नायरा एंड अरबाज कितने स्ट्रॉन्ग हैं. वेल डन गाइस, वेल डन सचिन. ओह या मैजिक माइक इन द हाउस. बेबी तुझे पाप लगेगा. ये ये टास्क शिवेद हार गया था और बहुत ही गंदी तरीके से हारा था. इट वॉज वन साइडेड विन. रोडी से जो इंसान हकता आ रहा है उसका टाइम यहाँ पर भी हगने का ही चल रहा था. टफ लग आने का. मैं ये चैलेंज हार गया था और गलती पूरे चैलेंज में बस इतनी होगी कि जो वेलक्रो वाला बाट था मुझे खुद लेना चाहिए था. मैंने खुद लीड ना लेके अनिकेत को दिया. वो जब आप अपने चैलेंज में खुद लीड नहीं लेते हो तो ऐसे ही होता है. अब मेरे को वेट था कि डोम में मैं बचूंगा या घर जाऊंगा. ओके सो अरबाज, नायरा, सचिन, आदित्य, खनक और देवकरण, यू गाइस आर नॉट द लूजर्स टुडे, यू आर द विनर्स. मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम उसके सामने जब ट्रॉफी जीतो तो उससे ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है. जसवंत और आखिरी तुम्हारे मुंह पे तो ताला अब लग गया होगा क्योंकि ये चैलेंज तो मैं हक से जीता हूँ. कृपया करके अपने मुंह का जो दरवाजा है उसको बंद रखें. ओह आई वाज सो हैप्पी. आज देखो अभी मैं ओरेकल के सामने जाके आदित्य के साथ पूछ सकती हूँ. ओरेकल क्या हम एक आइडियल मैच है. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था. जो मेरा टेम्पर था वो बिल्कुल हाई हो गया था. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. मेरे लिए वो चैलेंज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था. अनिका, अनिकेत, अनफॉर्चुनेटली नॉट मच फॉर यू गाइस टू सेलिब्रेट. व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ यार. आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. I don't have words to say because मुझे actually मैं ये challenge जीतना था and मेरा इतना mindset था कि कुछ भी हो जाए मुझे जीतना ही जीतना है. But unfortunately फिर भाई बैल बुद्धि ने अपना काम कर ही दिया. बैल बुद्धि ने जो खेला है वो साला एक चीज पास नहीं कर पा रहा. मैं ये चीज बस अनिका को उस समय भी समझाना चाहता था. देख ले अपने बैल बुद्धि को, वही ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है. अगर तुझे इस गेम को जीतना है तो तू इसके साथ नहीं जीत सकती, ये बात याद रखिए. ओके दिग्विजय, कुछ रिग्रेट्स थे कि आप इसी टीम में आए और उनकी टीम में नहीं, वैसे, नहीं, वैसे वो भी हार गए बट नहीं नहीं सर कोई रिग्रेट नहीं था. ऐसा जीत जाते सर, स्टार्टिंग में अच्छा मोमेंटम था फिर एक्स वगैरह थोड़े गिर गए. गिरे हुए एक्स इनसे एक्स ही नहीं संभाले जाते क्या करें. यहाँ काफी गर्मी है भाई. अरबाज, आई वॉन्ट टू कम टू यू. एंड में ना जब आपकी टीम जीत गई उसके बाद आपने एक बहुत ही अतरंगी सा अलग सा कमाल का एक सेलिब्रेशन किया, फिर से करके दिखाओ ना. अरे कर लो ना यार, पब्लिक डिमांड है यार. चलो Please. मेरा डिमांड है. हाँ ये वाला. हाँ ओहो, क्या
बात है। We're gonna see you guys tonight at the Dome. जहां कुछ भी हो सकता है. And for now, guys, excuse me, please. See you all. I was happy कि आज तो मैं आराम से बैठ के बस देखने वाली हूँ. पर बाज नायरा और सचिन जीत गए तो मुझे पता था कि आज रात को डोम में अगर उनको वोटिंग राइट्स मिले तो मैं ही जाऊँ.